आज की हमारे पहले वीडियो में एक आदमी आधी रात को किसी वीरान और अबैंडेड हॉस्पिटल की जांच पड़ताल करने आ जाता है। यह हॉस्पिटल ठीक जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और आसपास कोई घर नहीं है। तुम लोग देख सकते हो जगह कितनी वीरान पड़ी है। और यहीं पर जैसे ही अपनी बाइक रोकता है, उसके बाद अचानक से किसी छोटे से बच्चे की रोते हुए की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ये बंदा इधर उधर देखता है लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये बंदा इस बात की तरफ जाता है तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अभी तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जैसे ये बंदा इस हॉस्पिटल की जांच पड़ताल करने हॉस्पिटल के अंदर आता है तो यहाँ पर इस बंदे के साथ जो जो होता है तुम्हें यकीन नहीं होगा देखकर। यहाँ पर मुर्दा खाने में किसी मुर्दे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हालांकि ये हॉस्पिटल तो सदियों से बंद पड़ा हुआ है, तो ये डेड बॉडी कहाँ से आई और किसने रखी, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन तुम लोग इस वीडियो को देखो कि आगे इस बंदे के साथ क्या क्या हो जाता है। एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था लेकिन अचानक आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। अब नींद तो हर इंसान को प्यारी है लेकिन ये बंदा यहाँ बालकनी में आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बेचारे को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि अभी जो इसके साथ होने वाला ये बंदा उसे पूरी जिंदगी याद रखेगा। जरा तुम लोग भी देखो इसके साथ क्या हो जाता है। आज की हमारे तीसरे वीडियो में दो फ्रेंड मिलकर किसी अबैंडेड घर की जांच पड़ताल करने को आ जाते हैं। हालांकि इन्हें इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, कौन सी मखलूक रहती है। लेकिन आज जो इनके साथ होने वाला, मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिंदगी में किसी के साथ ना हुआ हो। और आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसा क्लिप कभी नहीं दिखाया है, तो इस वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो कि किस तरह दो फ्रेंड एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक बंदा कमरे में लॉक हो जाता है और जो दूसरा फ्रेंड था वो चाहते वे भी मदद नहीं कर सकता था। उसने बड़ी कोशिश की दरवाजे को खोलने की लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और यहाँ पर एक काले रंग का कोई फिगर भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब इस वीडियो को तुम लोग देखो कि इस वीडियो में आगे चल के क्या क्या देखने को मिलता है और किस तरह इस बंदे की फट जाती है, बिल्कुल डर चुका अंदर से, इसकी तो मौत हो जानी थी। เอาอยู่เกตข้างหลังมึงอะเอาอยู่ยะน่าจะไม่อยู่แล้ว
ปิดก่อนเก็ตไอ้ไอ้สัตว์เอาสิเก็ตมึงก็ไม่เปิดไอ้เหี้ยเอาอยู่พ่อมึงอะไอ้เก็ตเก็ตมึงเปิดให้กูเนี่ยเปิดให้กูเนี่ยปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปทางขวาวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งไปแล้วว่าโถแล้วมึงจะอยู่ทำเหี้ยอะไรมึงวิ่งไปดูแล้วมึงจะมาตามกูทำเหี้ยอะไรโดนมึงวิ่งไปหามันเจ๊มันเข้าได้ยังไงอ่ะแต่มึงบอกว่ามึงล็อกแล้วล็อกพ่อมึงไอ้สัตว์ล็อกยังไงมึงจะจับอยู่आज का हमारा चौथा वीडियो जापान के किसी अबैंडेड स्कूल का है। जब ये बंदा दिन के टाइम इस स्कूल की जांच पड़ताल कर रहा था, तुम लोग खुद देख सकते हो स्कूल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कांड हो जाता है, एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि जिसके बाद इस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। जरा तुम लोग खुद ही देख लो। आज का हमारा पांचवा वीडियो ब्राजील के किसी कब्रिस्तान का है। एक सिक्योरिटी गार्ड आधी रात को जब अपनी ड्यूटी पे था, तो इसी बीच ये बंदा अपने रूम में थोड़ा आराम करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ ये बंदा रूम में आकर फंस जाता है, क्योंकि रूम में अजीबोगरीब एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने और खुलने लग जाता है, शीशा खुद ब खुद हिलने लग जाता है, इस बंदे की शर्टें तक नीचे गिर जाती हैं। ये बंदा अपना मोबाइल निकालता है, ये सारा नजारा रिकॉर्ड करता है और ये भी बताता है कि तुम लोग देख लो, मैं रूम में बिल्कुल अकेला हूँ और देखो कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। खैर इस वीडियो में आगे चल के जो होता है जरा तुम लोग खुद ही देखो, लेकिन तुम लोग मुझे ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे में से कोई आधी रात को कब्रिस्तान में फंस जाए और ये सारी एक्टिविटीज हो, तो तुम लोग क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। No sé qué es lo que está pasando, pero en verdad no sé qué es lo que está pasando mi gente en mi casa hoy. Miren señores, miren, me siento como que no sé, como que hay algo raro en mi habitación hoy. Por favor, necesito que me ayuden hoy, sí. Hoy siento esto, miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. Oh, Dios mío. Señores, ¿quién está viendo esto? Por favor, compártanlo. Miren, estoy solo en mi habitación, pero siento como no sé, como que se caen las cosas. Oh, papá Dios. Señores, miren, miren. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, señores. Recuerden que me encuentro aquí en mi casa, mi gente, en el cementerio Cristo Redentor. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। खैर मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं, अभी जो प्ले होने वाली है वो तुम सबके लिए बोनस क्लिप बनने वाली है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। Jangan tegur, jangan.
¡Ah!